युवाओं में उत्साह है, बहुत ही जोश के साथ। आप देख सकते हैं कि पोलिंग 90 के पार हो चुकी है और बहुत ही जोश। भाई हमारा शारजा से भी आया, वो गुजरात में रहता, शारजा गया हुआ था, उसको भी बुलाया हमने यहाँ पर। 71 के अंदर हुआ, 2001 के अंदर हुआ, 85 हुआ, 2001। और ये राजमेर शरीफ के अंदर खड़े हुए हैं, राजमेर शरीफ में अंधापुर सोसाइटी पंचायत के बाहर हम खड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार, आपको मैंने राजमेर का झोपड़ा देखा, राजमेर शरीफ की मैं मार्केट वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ, मगर आज यहाँ पर जो सबसे पुरानी संस्था यानी कि सोसाइटी पंचायत जो है, उसका आज 20-22 साल के बाद में इलेक्शन होने जा रहा है, उसी का नजारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर लगातार बने रहे, ताकि मैं आपको अजमेर शरीफ में किस तरह यहाँ पर जो लोगों में उत्साह देखने को मिली है, किस तरह यहाँ इलेक्शन के 22 साल के बाद में इलेक्शन हो रहा है, उसका किस तरह का नजारा होने वाला, ये सभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लगातार वीडियो पर बने रहे। आप देख सकते हैं यहाँ जगह जगह है पोचिंग बूथ बने हुए हैं, जहाँ पर वोट डालने के वास्ते एंट्री होनी है वो यहाँ पर मौजूद है, उसके बाद में आगे जगह जगह बूथ इसी तरह लगे हैं। तो अगर आप प्लीज वीकेंड देख के अंदर मैं आपको पूरा नजारा दिखाता हूँ यहाँ का, किस तरह अजमेर शरीफ की जो इलेक्शन हो रहा है, जो सोसाइटी पंचायत की, वो किस तरह हो रहा है और किस तरह यहाँ पर लोगों के अंदर रुझान है। कई दूर दूर से लोग भी आए हैं यहाँ पर, जो बच्चे यहाँ से बाहर गए हुए हैं, कुछ फैमिली है जो यहाँ से बाहर गई हुई है, उनको भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरह वो आए दूर से और उत्साह के साथ में यहाँ पर जो है वोटिंग करने वो यहाँ पर आए। तो चलिए हम चलते देख के अंदर दिखाता हूँ आपको यहाँ का पूरा नजारा, किस तरह अजमेर शरीफ में जो सोसाइटी पंचायत के अंदर कोटियन के वोट डल रहा है उसको किस तरह का नजारा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं बैक कैमरे से, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और आगे चल के आपको यहाँ का पूरा बताते हैं किस तरह यहाँ पर अजमेर शरीफ में जो है सोसाइटी पंचायत के यहाँ पर 20 से 22 साल के बाद में वोटिंग हो रहा है। वोटिंग बताने का आपको यही मकसद है कि यहाँ अजमेर शरीफ में ये एक संस्था है, जो सोसाइटी है, यह काफ़ी पुरानी सोसाइटी है और काफ़ी बरसों से यहाँ पर इलेक्शन इसी तरह होते आ रहे थे, मगर अभी बीच में कुछ साल से सिलेक्शन चल रहे थे, उसके बाद में इलेक्शन हो रहा है, तो लोगों में उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है। उसी के चलते मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। आप सामने देख सकते हैं जितने भी पोलिंग बूथ लगे हुए हैं, यहाँ पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनसे भी हम बात करेंगे और पूरा जानकारी देंगे। बाहर से भी यहाँ पर, विदेश से भी लोग आए, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग विदेश में जाके अपना कारोबार कर रखा, कुछ यहाँ से अजमेर से बाहर, राजस्थान से बाहर भी है। तो सभी से हम बात करेंगे और पूरा बताएंगे आपको अजमेर शरीफ के जो सोसाइटी पंचायत अंदर कोटियान के इलेक्शन है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि काफ़ी टाइम लंबे अरसे के बाद में यहाँ पर इलेक्शन हुए हैं। तो इस किस तरह इलेक्शन हुए हैं और किस तरह ये सोसाइटी है पूरा भी है मैं आपको जानकारी दूंगा। यहाँ बूथ में भी लेके चलेंगे जहाँ पर पोलिंग हो रही है, जहाँ पर बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पर दूर दूर से, मतलब जो घरों से बुज़ुर्गों को भी लाया गया है और बुज़ुर्ग भी अपने इलेक्शन का मतदान का प्रयोग करने आए, क्योंकि चाहते हैं कि परिवर्तन आए। परिवर्तन ही जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन से ही आगे देश हो या संस्था हो वो चलती है। तो इसलिए 22 साल बाद के बाद में जो यहाँ पर परिवर्तन आने जा रहा है, उसी का मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। इसी मारे अजमेर शरीफ से वीडियो दिखा रहा हूँ कि किस तरह अजमेर शरीफ के अंदर इलेक्शन होते हैं। चलिए चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं, कुछ लोगों से भी यहाँ बात करेंगे। आबिद खान नाम, जयपुर से आया हम वोटिंग करने, चारों भाई और एक भाई हमारा वोट डालने के लिए आया हम जयपुर से यहाँ पर, बिरादरी के काम था जिन्हें जयपुर से यहाँ, और एक भाई हमारा शारजा से भी आया, वो गुजरात में रहता, शारजा गया हुआ था, उसको भी बुलाया हमने यहाँ पर वोटिंग करने के लिए, इतना उत्साह था। चलिए चलते आगे की तरफ और आगे चल के जो कुछ यहाँ पर नौजवान पीढ़ी भी खड़ी हुई, इनसे भी पूछते हैं इनका अनुभव किस तरह का रहा अजमेर शरीफ में जो इलेक्शन है सोसाइटी पंचायत के। तो आइए मालूम करते हैं इनको, इनसे और आगे आपको बताते हैं। तो कैसा रहा आपका जोश है? नौजवानों में बहुत जोश है इस बार, और ये 20 साल बाद जो हमारे इलेक्शन हो रहा है उसमें बहुत जोश बता रहा है सबका। सब युवा हैं, सब एकजुट होकर भाईचारे से वोट दे रहे हैं, सब तसल्ली से हो गया। नाम मेरा गुलाम अली, मेरा नाम इशाक शर्मा। बहुत साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, 22 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं हमारे बिहार में, सब में एक उत्साह है, एक जोश है जो नौजवानों में, सब ने वोट डाले, सब में अच्छा। अब शाम को रिजल्ट आएगा, सब असेंबली से हो गया। मेरा पहला वोट जैसे को कितने ही लोगों ने यहाँ पर पहली बार वोट दिया है, क्योंकि 22 साल बाद में इलेक्शन फोन करके उठा दिया मेरे को, प्रशासन ने बेहतरीन व्यवस्थाएं बनाई है हम लोगों के लिए और यहाँ के सभी कैंडिडेटों ने बहुत बेहतरीन प्रचार वगैरह सब कुछ रहा, आपस में सद्भाव बनाकर रखा, बेहतरीन पोलिंग हुई है और अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट डले हम फकर शेख। चलिए चलते आगे, यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है बुजुर्ग आदमी भी खड़े हुए, इनसे भी हम मालूम करते हैं कि इलेक्शन पहले कब हुए थे और अभी कब है। तो आइए जानकारी लेते हैं, इनसे ही जानकारी ले लेते हैं
के पहले इलेक्शन तो 71 के अंदर हुआ, 2001 के अंदर हुआ, 85 में हुआ, 2001 और ये 2023 का दिन। उस दौर के अंदर जो है ना इससे बोलिंग नहीं थी, लेकिन माशाल्लाह ना नौजवान जो है ना 18 से ऊपर के हो गए, वो ये 22 साल के बाद हो रहा, तो ये उमंग हुई है नौजवानों की। नहीं क्या इतने सालों के बाद पहली बार कई तो ऐसे लड़के हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहा है या इलेक्शन लड़ रहा है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है हमारे को, पूरी कौम को खुशी हुई है इस बात की कि मतलब और अभी तक शांति पूरी हो रही है, मतलब कोई कुछ कोई दिल में बोली। मेरा हमीद खान नाम है। बाईस साल पश्चात जो इलेक्शन हो रहा है अति उत्साह के साथ हो रहा है और बहुत अच्छी इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग इससे, और जिसमें नौजवान भी हैं बुजुर्ग भी हैं और बहुत ही खुश मिजाज के साथ लोग वोट डाल रहे हैं, और यही जो है अपने प्रेम सद्भाव बना रहे हैं हमारी कौम में। हम यही चाहते हैं कोई भी आए, कोई भी आ रहे, कोई भी जीते। अरशद खान ऑडिटर। जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो यहाँ पर 34 लोगों के यहाँ पर सदर से लेकर सेक्रेटरी तक यहाँ पर 34 मेंबर यहाँ पर खड़े हुए हैं, 34 मेंबर का रिजल्ट शाम को ही इन वोटिंग के बाद में आएगा, तो वो है कि कौन चलेगा। जोश लोगों में है यहाँ पर, जोश लोगों में बहुत है, मतलब काफ़ी टाइम के बाद हुआ है, जोश बहुत है लोगों को अरे यहाँ पे एकदम इलेक्शन के लिए। जोश उमंग बहुत ज़्यादा है, नई नस्ल के बच्चों में आने वाले में तैयारी करेंगे सब। शरीफ मोहम्मद। तकरीबन 22 साल बाद हमारी कौम में आज चुनाव हो रहा है और बहुत ही युवाओं में उत्साह है, बहुत ही जोश के साथ आप देख सकते हैं कि पोलिंग 90 के पार हो चुकी है, और बहुत ही जोश के साथ सभी मतदाताओं ने इसी उत्साह के साथ वोट डाला है कि नई कमेटी आएगी तो हमारी कौम का विकास होगा, बच्चे जो हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और हमारा जो है एक शादी हॉल होगा और एक अस्पताल होगा ताकि गरीबों का उसमें मुफ्त इलाज कर सकें, और हम ये चाहेंगे कि जो भी कैंडिडेट जीत के आए वो कौम को तरक्की की तरफ लेके जाए। मैं अखलाक मोहम्मद, सदस्य दी सोसाइटी पंचायत अंदर कोटिया के पद पर खड़ा हूँ, दी सोसाइटी पंचायत की ओर से मैं अमीन के पद पर, जो कि 22 साल बाद होने जा रहे हैं और काफ़ी उत्साह हुए लोगों के अंदर और करीबन 90% वोटिंग हुई। मेरा नाम रिजवान खान शानी। वो रिजल्ट भी आपको मैं अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर बताऊंगा, तो इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अजमेर से मार्केट और मजार से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं इस वक्त तो वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी पंचायत के इलेक्शन में आ गए थे, इसके अंदर में बिजी हो गया था, उसके बाद इलेक्शन जो हो रहा है, इलेक्शन की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ कि अजमेर शरीफ में 2.5 दिन के झोपड़े के नीचे इलेक्शन किस तरह होते हैं और किस तरह सोसाइटी पंचायत यहाँ पर कार्य करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह देखी जा रही, काफ़ी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और सभी अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनको जिताने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और अब हम चलेंगे बूथ के अंदर और बूथ के अंदर जो वोटिंग हो रही है उसका भी नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, और मैं भी वोटिंग करता हूँ आगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और हम भी हमारे जो 10 मेंबर हैं उनको चुनते हैं, और चुनने के बाद में फिर आगे आपको बाहर का सारा बताने वाले हैं किस तरह यहाँ पर जो बुज़ुर्ग आए हैं और बुज़ुर्ग आकर अपने मतदान में अपना मत दे रहे हैं, वोट यहाँ पर दे रहे हैं, पूरा बताऊँगा मैं आपको अभी। हम यहाँ पर वोट डालने के बाद में बाहर चलेंगे, बाहर चल के आपको पूरा बाहर से ही बताएंगे किस तरह यहाँ पर जो अजमेर शरीफ में सोसाइटी पंचायत के इलेक्शन के टाइम पर किस तरह वोटिंग हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज भी जो है पेपर वाली वोटिंग हो रही है, क्योंकि जो पुरानी वोटिंग होती थी पेपर पे सील लग के, और वही वोटिंग आज यहाँ पर हो रही है, और काफ़ी टाइम बाद में लोगों को इसको आनंद उठा रहे हैं जो वोटिंग है पेपर वाली उसका। चलिए अब चलते देखते हैं, आप देख सकते हैं बाहर बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ के कौम के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी अपने घर से निकल कर यहाँ पर आकर मतदान कर रहे हैं, ताकि लगभग 80% की लगभग वोट हो गया, 748 मतदाता हैं जिसमें से 600 मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग कर लिया, और ऐसी संभावना है कि लगभग 700 के करीब मतदान हो जाएगा और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। पुलिस प्रशासन की पूरी तरह व्यवस्था है और लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से चुनाव होते हैं उसी तरह मतदान का प्रयोग सारे मतदाता कर रहे हैं। जिस तरह से चुनाव जब शुरू हुआ और उस तरह से सारी शर्तों की पालना करने के लिए प्रत्याशियों को कहा गया था, और उसमें मतदाताओं को से भी अपील की गई थी कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड
जो लेकर साथ में रहें और मोबाइल लेकर आपको अनुमति नहीं रहेगी, वो वर्जित रहेगा। और आइडेंटिटी कार्ड सारे मतदाता लेकर आएँ, उनके जो भी एजेंट और जो भी बैठे हैं ऑफिशियली वर्कर जो बैठे हैं वो बाकायदा जाँच कर रहे हैं। मोहम्मद हुसैन साहब हैं, फारूक फुरकान शेख है, फुरकान है, दानिश भाई हैं, ये सारे मिलके सारे ऑफिशियली सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और 5 बजे तक मतदान चलेगा और उसके बाद मतगणना की जाएगी और परिणाम इसके बाद घोषित कर दिए जाएंगे। समीर काले, एडवोकेट, चुनाव अधिकारी। तो दर्शकों, कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाऊँ, वोट डालते हुए के नज़ारे मैं आपको दिखा देता हूँ। पोलिंग यहाँ हो रही है, इन रूमों में पोलिंग हो रही है। सभी से निवेदन है कि अपने मोबाइल को लेकर नहीं आए, अपना आईडेंटिटी कार्ड है वो साथ लेकर आए, इससे आपकी पहचान हो सके और किसी को आपत्ति हो तो उसकी पहचान चुनाव की जो लोकल लिस्ट है उससे करा कर आप मतदान का प्रयोग कर सके। आपसे निवेदन है कि मोबाइल लेकर नहीं आए। अब तक 600 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। दर्शकों देख सकते हैं, ये मत पेटियां मैं आपको बताऊंगा, कुछ लोग यहाँ वोट डाल रहे हैं।